Hello, my dear students. How are you? Fine. See, in uh, basic concepts of chemistry, we discussed in previous lecture about the concentration, the molality. I hope that you all prepared well, and uh, now you can understand everything regarding molality. But I have to discuss more about the molality today. So, there is a slight difference in molarity and molality. That difference also you have to understand, my friends. In molarity, volume is there, 1 liter, and in molality, weight of solvent is there either in a gram or in kilogram. Okay. So, one example I have given you this 1 mole is uh, dissolved in 1 kilogram solvent, and that is called molality. Okay. So, uh,

Uh, कितना ले लूँ मैं थ्री सिक्सटी ग्राम ले लेता हूँ चलो थ्री सिक्सटी ग्राम मेरे पास सॉल्यूट है ठीक है और सॉल्यूट का नाम है ग्लूकोज क्या नाम है उसका ग्लूकोज ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला मैं आपको दे दूँ तो सी सिक्स एच टिक्स तो पहला काम आपको ये करना है कि आप इसका मास फाइंड कर लीजिए ग्लूकोज का चलिए जब आप फाइंड करेंगे तो उसका मुलामस आएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स ठीक है अब मैं सोलवंट ले रहा हूं 1.36 किलोग्राम आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर दो और ग्राम वाला फार्मूला यूज करो किलोग्राम में भी रखो किलोग्राम वाला फार्मूला यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो आपको पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी कितना मैंने डाला है 360 ग्राम ग्लूकोज इन 1.36 किलोग्राम सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर ही है तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा अगर मैं वेट यहाँ पे किलोग्राम ही रखूंगा तो मोलालिटी इज इक्वल टू डबल्यू ग्राम डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो 360 डिवाइडेड बाय सोल्यूट लिया है मैंने 360 सिक्सटी मास फाइंड किया है 180 एटी मल्टीप्लाइड बाई का वेट कितना है 1.36 किलोग्राम आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 और 360 तो सीधा ही सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये मोलालिटी आएगी आप चेक कर लीजिएगा वन पॉइंट फोर्टी सेवन मोलल स्मॉल एम या तो आप लिख सकते हो एस एम मोलल और आप लिख सकते हो मोल पर किलोग्राम अब आपकी अगर इच्छा हो कि नहीं मुझे वो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें सोलव के ग्राम दिए तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और सेकंड मेथड में बिल्कुल घबराइएगा मत मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय थाउज डिवाइडेड बाई मोलार ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ग्राम क्या होगा वन किलोग्राम का थाउजेंड और थ्री सिक्सटी सो आ, वन थ्री सिक्स ज़ीरो ग्राम सॉरी पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम वैल्यू बाद में रिप्लेस करेंगे ठीक है वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन अ ग्राम चलिए वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई थाउज डिवाइडेड बाई मुलारमा मास एटी मल्टीप्लाइड बाई वेट हम ग्राम में ले रहे हैं वन थ्री सिक्स जीरो ग्राम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया अब इसका भी ये आएगा मोलल। आप स्मॉल एम भी लिख सकते आगे बात समझ में। अब हमारी इलेस्ट्रेशन वन पॉइंट एट है उसको जरा देखिए वो हम सोल्व करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी दूंगा तो इसके पहले ये एग्जांपल लिख लीजिए ओके सी ऑन योर स्क्रीन there is one problem written the density of a three molal not three molar solution of nacl to karna kya hai dekhiye aapko di hai molarity जो थ्री molar NACL का solution है उसकी density जो है वो है 1.25 gram per ml. और आपको पूछा है कि मुलाली फाइन करिए मेथड सही है इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है ये जो आप मेथड देख रहे हैं मेथड सही है लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा उस फॉर्मूला से आप जाइएगा तो सीधा आपको आंसर मिलेगा बाद में पहले फॉर्मूला लिख लीजिए मैं साइड में नोट करता हूं कि हेडिंग लगाइए रिलेशन बिटवीन मोलारीटी एंड मोलालिटी चलिए लिखिए रिलेशन बिटवीन हेडिंग लगाइए आप रिलेशन बिटवीन मोलारिटी ये कैपिटल एम जो कर रहा हूं वो मोलारिटी के लिए है और स्मॉल एम जो होगा वो मोलालिटी के लिए होगा तो अगर आपको मोलारिटी दी है और आपको मुलालिटी फाइंड करनी है तो मैं एक सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं आपको ये लंबा प्रोसेस ये जो प्रोसेस आप जा रहे हो ना यहां सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है वो मैं उस प्रोसेस से नहीं जाऊंगा आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि मोलारिटी से सीधी मोलालिटी आपको मिल जाएगी आप लीजिए मोलालिटी इज इक्वल टू थाउजन मल्टीप्लाइड बाई मोलारिटी डिवाइडेड बाय थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी माइनस जहां पे मैं कैपिटल एम कर रहा हूं वो मोला रिटी है ठीक है स्मॉल एम है वो मोला लिटी है जहां पे मोलार मास आएगा तो मैं दो बार एम लिखूंगा एम एम अब ब्रैकेट में कर लीजिए मोलार मास सॉल्यूट ध्यान रखिएगा मास आपको यहां पे सोल्यूट का लेना है मास ऑफ सोल्यूट चलो लिख लो फिर से ये ये जो है वो मोलारी है ये जहां पे भी कैपिटल एम है वो मोलारिटी है ये देखिए कैपिटल एम और जहां पे एम एम लिखा है वो मोलार और किसका है वो स्पेसिफाई करना है सोल्यूट का लेना है कि है. है तो चलिए अब मैं ये प्रॉब्लम सोल्व करता हूं फॉर्मूला आपने लिख लिया है तो अब हमारे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन जो है वन पॉइंट एट उसको देखिए ध्यान से क्या क्या दिया है आपको मुला िटी दी है थ्री मोलर थ्री मोलर चलो डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की कितनी दी है डेंसिटी वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ग्राम एम एल इनवर्स चलो ये नोट कर ली मैंने आपको क्या पूछा है आपको पूछा है कि मोलारिटी फाइंड कर लो सॉल्यूट कौन है एनएससीएल है क्या काम करना है भाई आपको एन का सी मास का फाइन करना है तो मास फाइन कर लिए कर लीजिए एन का ट्वेंटी थ्री क्लोरिन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो आप अगर इसको ऐड करेंगे तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम मोल इनवर्स आएगा सिर्फ ग्राम मत लिखना मास का यूनिट है ग्राम पर मोल अब सीधा फार्मूला आप यहाँ पे फिर से लिख लीजिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया है मोलारिटी से डायरेक्ट मोलालिटी फाइंड करनी है आपको मोलारिटी से मोलालिटी तो आपको मोलारिटी तो दी है थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एम मतलब कि थ्री फॉर्मूला है आपके पास एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेना ठीक है डिवाइड बाय डिवाइड बाय डेंसिटी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ठीक है इसको ब्रैकेट में रख लीजिए फिर कौन सी साइन है नेगेटिव माइनस मोलारिटी है थ्री मोलारिटी इंटू मोलारोल्यूट फिफ्टी एट पॉइंट फाइव डायरेक्ट आंसर आएगा फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है ठीक है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए ऊपर आएगा थ्री थाउजेंड और ऐसे ही रखिए थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हो इन गुजरात बोर्ड कैलकुलेटर इज अलाउड यू you नो know वेरी वेल well. ये होगा वन टू फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव इंटू थाउजेंड वन टू फाइव जीरो माइनस वन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव फिफ्टी एट पॉइंट फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव आएगा चेक करते जाना ठीक है अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लास्ट स्टेप आएगा थ्री ये सब कर दीजिए थ्री डिवाइडेड बाई कितना डिफरेंस आ रहा है वन टू फाइव जीरो जो ये डिफरेंस आ रहा है इसका ये यहां पे लिख दीजिए वन टू फाइव जीरो माइनस वन तो ये आंसर जो आपका आएगा ये टू पॉइंट सेवन नाइन आएगा टू पॉइंट सेवेंटी नाइन ठीक है इट क्लियर फिर भी अगर ये यहाँ से क्या है कि मोलारिटी से थे फिर इस इन्होंने एक लीटर सॉल्यूशन है थ्री मोलार का मीनिंग निकाला है देखिए यहाँ पे पहले तो थ्री मोलार का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ ये देखिए मास ऑफ़ ऑफनेशियल एंड थ्री मोलार सॉल्यूशन में निकाला है ये रहा वन सेवेंटी फाइव बाद में वन लीटर जो सॉल्यूशन है उसका मास निकाला है वो है वन टू फाइव ज़ीरो उसको डेंसिटी का यूज़ करके बाद में सॉल्वेंट का वेट निकाला है वो निकाला वन ज़ीरो सेवन फोर पॉइंट फाइव ग्राम ठीक है उसके बाद ये सॉल्वेंट का जब मास आ जाता है आपके पास सोल्यूट का ये वेट आ जाता है वन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ठीक है मोलार मास है आपके पास फिफ्टी एट पॉइंट फाइव कितना सोडियम क्लोराइड का ये रहा फिफ्टी एट पॉइंट फाइव बाद में आप मोलालिटी में मोलालिटी में इसका वैल्यू रख के टू पॉइंट सेवेंटी नाइन आप फाइंड कर सकते हो वही आंसर आप ये सीधे फॉर्मूले में रख के आंसर आ सकता है ठीक है तो यहां बैक साइड एक्सरसाइज में हमें कुछ प्रॉब्लम दिए गए तो वो प्रॉब्लम भी हम मोलालिटी के अंतर्गत सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं See there on your screen. There is another one problem which is given backside in exercise. That is problem number seventeen. But remember one thing: this problem is not related to any concentration terms that I explained you. Okay, but here you have to find the answer in one term, and that is express this concentration. इन परसेंटेज बाय मास मतलब कि आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क दूसरा ये है कि आपको मोलालिटी फाइंड करनी है क्लोरोफॉर्म की जो आपको वॉटर सैंपल दिया गया है अब साहब प्रॉब्लम ये है कि इस वॉटर सैंपल में जो कंसंट्रेशन आपको दिया है वो फिफ्टीन पीपीएम वाटर में जो ऑक्सीजन प्रपोर्शन है कोई गैसेस डिसोल्व है तो उसको जब मेजर करते हैं तो पीपीएम में मेजर करते हैं बीओडी सीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कंसंट्रेशन पीपीएम में मेजर करते हैं और मैंने बोला है कि पी जो है तीन टाइप के होते हैं बाई मास और बाई वॉल्यूम मतलब कि मास टू मास मास टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम तो एक भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो इन डिटेल हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे एकेडमिक जो सिलेबस है उसमें नहीं है फिर भी यहाँ एक में, में आपको 15 में दिया है। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दू कि पीपीएम का मीनिंग क्या होता है तो आप जरा लिख लेना कि वन पीपीएम का मीनिंग होता है बाई मास जब हम बात करते हैं आप लिख लेना जरा वन पीपीएम अब फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में चैप्टर है सॉल्यूशन उसमें वो टर्म हमको डिटेल में समझनी है वन पीपीएम मतलब कि टेन लेख वन मिलियन पार्ट में एक पार्ट सॉल्यूट का आप शॉर्ट में लिख लीजिए वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सब्सटेंस वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस इन टेन लैक पार्ट मीन्स टेन 6 पार्ट कोई भी चीज का अगर हम टेन रेस्ट टू सिक्स पार्ट ले अगर उसमें एक पार्ट किसी चीज का सोल्यूट का है तो उसको हम बोलेंगे वन पीपीएम पार्ट पर मिलियन मिलियन बोले तो टेन रेस टू सिक्स ये स्टेटमेंट से हमें आगे चलना है ये सिर्फ मैंने ppm का थोड़ा आपको समझाया कि पीपीएम का मतलब क्या होता है पीपीएम का मतलब होता है किसी दस लाख पार्ट में से ठीक है एक पार्ट सब्सटेंस का होता है तो हमें कितना दिया है फिफ्टीन पीपीएम पी 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 का मीनिंग क्या होगा अपने आप लिखिए फिफ्टीन पीपीएम पी चलिए इसका मीनिंग बताइए इसका मतलब यह हुआ कि फिफ्टीन पार्ट्स In 10 to 6 part. किसका तो के का CHCL3 का to part. और मैंने आपको बोला ही है जब भी कोई सोल्यूट आपके सामने आए तो पहला काम आपको यह करना है कि आपको उसका मोलेक्र मास फाइंड कर लेना है ठीक है तो यहां से मैं डायरेक्ट वो उठा रहा हूं ये देखिए मोलेक्युलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कार्बन का ये ट्वेल्व राउंड फिगर ले लीजिएगा ठीक है और हाइड्रोजन का वन और क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंटी फाइव है ना थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ले लीजिएगा तो भी आपका परफेक्ट वन वन नाइन ग्राम पर मोल आ जाएगा ये ऐसे मत करिए वो ए एमयू वाला डिजिट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू मत लीजिए मैं बोल रहा हूँ कार्बन की डायरेक्ट ट्वेल्व हाइड्रोजन की वन और क्लोरीन की थर्टी फाइव पॉइंट फाइव लेकर कैलकुलेट करो आपका जो मोलार मास है वो आएगा वन वन नाइन ग्राम पर मोल अब ये पार्ट को समझ लीजिए कि ग्राम है क्योंकि हम मास टू मास बाय मास यहां पे लिखा है देखिए पार्ट मतलब कि एक ग्राम इन दिस मच टेन रिस टू सिक्स तो हमें परसेंटेज वेट बाई अब मैं पहला आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं देखिए ध्यान से देखिएगा ये दो चीजें आपको समझ में आ गई है तो अब मैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर जाता हूं ये पहले लिख लीजिए अब अगर मुझे दिया गया है कि टेन रेस्टू सिक्स पार्ट में मुझे परसेंटेज फाइंड करने है तो टेन रेस टू सिक्स पार्ट में मुझे कितना पार्ट दिया है टेन रेस्टू सिक्स पार्ट अगर मेरे पास है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फिफ्टीन पार्ट आर देर और अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो सपोज मेरे पास हंड्रेड पार्ट ही होते तो सीधा परसेंटेज मुझे मिल जाता हंड्रेड पार्ट में कितना क्लोरोफॉम होगा फिफ्टीन पार्ट सी एच सी एल थ्री है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पीपीएम चलिए तो ये हुआ हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन ठीक है डिवाइडेड बाई टेन एस टू सिक्स आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आंसर इसका आएगा फिफ्टीन मल्टीप्लाइड फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू माइनस फोर और ये हंड्रेड पार्ट में है और ये सब वेट में ही है तो इसको मैं बोलूंगा हंड्रेड के ऊपर मुझे मिला तो ये परसेंटेज वेट बाई वेट हो जाएगा ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट आपके पास है परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ वो भी आपको पता है तो अब आपको पूछा है कि इसकी मोलालिटी फाइंड करो चलिए मोलालिटी फाइंड करते हैं बहुत ही इजी तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट इज मतलब क्या हुआ इतना है परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब लिखिए परसेंटेज वेट बाय वेट अभी जो मुझे आंसर मिला इसका मतलब क्या हुआ फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू माइनस फोर ग्राम इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन ग्राम है तो सॉल्यूशन भी मैं ग्राम में लूंगा परसेंटेज वेट बाय वेट है तो इसका मीनिंग तो यही हुआ चलिए मोलालिटी का फॉर्मूला याद कीजिए ग्राम वाला तो कितना है ये फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस फोर अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो तो 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू माइनस थ्री हो सकता है मल्टीप्लाइड बाई थाउज डिवाइडेड बाई मास अभी अभी हमने फाइंड किया वन वन नाइन पॉइंट फाइव समथिंग आएगा वो वन वन नाइन एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन का पॉइंट फोर्टी फाइव लिया है वो गलत है आपको थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये एग्जैक्ट मास आएगा क्लोरोफॉर्म का C H C L थ्री का कैलकुलेट कर लीजिएगा और मास ऑफ़ द सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना है हंड्रेड ग्राम अब आप इसको ये मैंने मोलालिटी के फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी तो मुझे आंसर मिला क्या मिला वन पॉइंट ये आपको मिलेगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय टेंडर्स टू माइनस अब आप इसको इफेक्टिव साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो वन पॉइंट एल आई आर डी रूल लगा के वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस फोर मोलल ठीक है आ आगे आपका आंसर मोलालिटी ये क्या है मोलालिटी और आगे वाला आंसर पहला परसेंटेज वेट बाय वेट ये वाला हो गया तो यहां पे रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म हमारा जो है प्रॉब्लम सब खत्म हो रहे हैं अब थोड़े मिसलेनियस प्रॉब्लम है वो भी हमें सॉल्व करने हैं वन प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन उसको धीरे से मन को एकाग्र करके मेडिटेशन पोस्चर में पढ़िए ठीक है उसको समझने की कोशिश कीजिए अगर इस वो समझ में नहीं आया तो आप इसको अब आप भूल जाइए मिसलेनियस प्रॉब्लम है आपको सब मोल कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट कंसंट्रेशन टर्म या तो कोई ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी लगाना पड़े ऐसे हमारी बुक में तीन प्रॉब्लम्स है एंड दैट प्रॉब्लम नंबर आर थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स इन अवर एक्सरसाइज वेगसाइड एक्सरसाइज वो प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करने हैं अगर वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है ठीक है पूछे जा चुके हैं बहुत ही ईजी है दैट मच डिफ़िकल्ट नहीं है आपको पढ़ते रहना है मैंने आपको जो काम दिया है वो पढ़िए पहले समझना जरूरी है अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो सॉल्यूशन साहब कैसे करेंगे ठीक है लाइफ में भी तो ऐसा ही है ना जब तक लाइफ का प्रॉब्लम जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो गए डॉक्टर को आप आपको क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आएगा तब तक वो दवाई नहीं कर सकता है सहमत हो कि नहीं हो मेरी बात से हाँ तो पहले आपको ये जो प्रॉब्लम है थर्टी फोर समझ में आना चाहिए ठीक है अगर समझ में आ आ रहा है तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है आप अपने आप भी कर सकते हो ठीक है तो देखिए आपको एक वेल्डिंग गैस दी गया है आप, आ, दी गई है वो आपने आ, आ, शायद टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ी है वो आ, आ, कौन सी गैस थी ऑक्सीऐसीटिलिन एसीन गैस जो वेल्डिंग मे, मेटल के वेल्डिंग के काम में आती है उसमें क्या होता है एक तो कार्बन होता है और दूसरा होता है हाइड्रोजन ठीक है उसका एक स्मॉल सैंपल लो उसको बर्निंग करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो तो आपको पता है प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो आपको थ्री पॉइंट थर्टी एट ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है वो वेल्डिंग गैस जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको जीरो पॉइंट सिक्स नाइन जीरो ग्राम वाटर दे रही है दूसरी और कोई प्रोडक्ट नहीं है बहुत ही प्योर गैस है दूसरा एक डेटा आपको दिया है कि अगर आप उसका लीटर ले लो क्या ले लो वॉल्यूम ऑफ टेन लीटर एस पे मोल यूज़ में आएगा तो उसका वेट क्या होता है इलेवन पॉइंट सिक्स ग्राम इसका वेट होता है तो आपको क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा है अगर प्रॉब्लम समझते नहीं हो तो स्टार्ट ही मत करो एम्पेरिकल गैस उस मतलब का मोलेक्र मास पूछा है और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछा है ठीक है ये तीन चीजें आपको पूछी गई एक बार फिर से पढ़ो ठीक से दिमाग में बिठा लो सॉल्यूशन को मत देखो अब उसको मैं थोड़ा डिनोट करने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या दिया है चलो स्टार्ट करो सॉल्यूशन आपको ऐसा बोला है कि उस गैस में एक तो है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन कार्बन जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दे रही है दे रहा है रहा ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख ले लिख रहा हूं कि मुझे कार्बन जो है जैसे मैं सॉल्यूशन करता हूं ना वैसे करो कार्बन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है जो वेल्डिंग गैस में प्रेजेंट है हाइड्रोजन जो है वो मुझे वाटर देना है अब कितना है थ्री पॉइंट थर्टी एट ग्राम जो सैंपल लिया है तो पहले तो आप मोल्स निकालो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स मुझे मिल रहे हैं तो ये यहाँ पे रहा थ्री पॉइंट थर्टी एट उसको यहां पे रख दो थ्री पॉइंट थर्टी एट डिवाइडेड बाई मोलारमास कार्बन मैंने पहले बोला था ना मोलार मास जो है वो आगे बहुत काम आने वाला है अब तो आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिकाहऑर्गेनिक इन इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो फिजिकल हो एनालिटिकल हो मुलार मास तो आपको हर मोड पे फाइंड करने ना मोलार मास है इसका फोर्टी फोर इसी तरह आप वाटर के मोल्स फाइंड कर लो जब मैं खत्म करूंगा ना ये प्रॉब्लम तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा वो कितना मिल रहा है यहाँ पे जीरो पॉइंट सिक्स नाइन जीरो यहां पे लिखिए जीरो पॉइंट सिक्स नाइन जीरो और डिवाइडेड बाई एटीन तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने मिले जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स एट लिख लीजिए आप कैलकुलेटर का यूज करके भी लिख सकते हो यहां पे मुझे मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट थ्री आप चेक कर लीजिएगा एक बार ठीक है चलो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं मुझे तो अब इसमें कितने कार्बन के मोल हैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल कार्बन है दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा तो दो मोल कार्बन ऑक्सीजन डबल है स्टोक्योमेट्री देखनी है अब आपको ठीक है तो अब इस डेटा से मुझे चाहिए मोल्स ऑफ कार्बन चलिए फाइंड करिए मोल्स ऑफ कार्बन मोल्स ऑफ कार्बन जो है जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उतने ही मोल कार्बन है एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है तो 0.0768 में कार्बन मोल्स ऑफ कार्बन होंगे 0.0768 कोई शक अब उसी तरह आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालिए तो एक मोल वॉटर में दो मोल हाइड्रोजन है H2O अगर मोलेक्ल की बात करो तो एक मोलिक्यूल में दो मोलिक्यूल दो एटम हाइड्रोजन के हैं एक वॉटर में तो एक मोल वॉटर में दो मोल हाइड्रोजन होंगे तो मेरे पास मोल है जीरो पॉइंट जीरो तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में कैसे फाइंड करूंगा तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई डबल हो जाएंगे वाटर के मोल से मल्टीप्लाई करो टू मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट थ्री तो मेरे पास जो है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास आएंगे जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स सिक्स ठीक है अब देखिए ये मोल और ये मोल दोनों नियरली सेम है यहां पे जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स है यहाँ से जीरो पॉइंट तो दोनों के मोल्स वन इज टू वन है देखिए टेक्स्ट बुक में कितना ये लेंदी कर दिया कितना किया पहले परसेंटेज निकाला परसेंटेज से ये किया इससे एम्पेरिकल फार्मूला निकाला मैं डायरेक्ट मोल से आपको बता सकता हूं कि ये देखिए डायरेक्ट मोल से कि मोल्स ऑफ कार्बन इज टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे कितने हैं तो कि ये जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स एट इज टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स सिक्स अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ कार्बन इज टू तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो है वन इज टू वन इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास गैस है उसमें एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है ठीक है एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट की मेथड गलत है लेंदी है आपको अगर ये अच्छी लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा मेरा टारगेट ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मुझे ये जो है टेबल वाली वो अच्छी है तो आप वो करिए उसमें कोई आपको बॉन्डेज नहीं है कि नहीं ऐसा ही करना है ठीक है एक प्रॉब्लम के कहीं सॉल्यूशन होते हैं एक एक अगर डिसीज है तो उसकी कई दवाइया होती है ठीक है आपको जो अच्छी लगे ऐसा नहीं है एक पेशेंट को ये दवाई अच्छी लगे तो दूसरे पेशेंट को दूसरी दवाई उसको शूट करती है तो यहाँ सीधा मुझे एम्पेरिकल यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला आफ्टर टेबल टेबल के बाद मिल रहा है मेरे भाई बहन और यहाँ पे जो है सीधा मुझे एम्पेरिकल दोनों का वन इज टू वन फॉर्मूला है तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला सीधा लिख सकता हूं ठीक है अब थोड़ा प्रॉब्लम को पढ़ो दिल से पढ़ो ठीक है दूसरा क्या पूछा फॉर्मूला तो आ गया मुझे मास पूछा है तो बहुत ही बढ़िया डेटा है साहब आपके पास देखिए ये रहा खुशी से झुम उठने वाला डेटा है ये वॉल्यूम ऑफ टेन लीटर आपको एसटीपी पे दिया है अगर टेन लीटर का इलेवन पॉइंट सिक्स ग्राम है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर का कितना होगा और जो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर का होगा वो एक मोल का होगा और जो एक मोल का होगा वही मोलार मास होगा कंफ्यूज मत होना नहीं समझ रहे हो मेरी बात को समझ रहे हो ना हाँ बहुत बढ़िया क्या डेटा है आपके पास वो चलिए अब सेकंड सॉल्यूशन हम करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन लिखिए टेन लीटर अगर मैं गैस लेता हूं। कितनी लेता हूं गेस। अब गैस कौन सी है वो आपको नहीं पूछा है लेकिन मुझे पता है वो है वो तो आपको दिया है इलेवन पॉइंट सिक्स ग्राम तो अगर ये टेन लीटर एस पे है तो अगर मैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ले लू एस पे तो मुझे कितना ग्राम मिलेगा ये जो मिलेगा वो आपका मास होगा सोचिएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये कुछ नहीं है थोड़ा शांत बैठ के सोचना डिवाइडेड बाई टेन ये आ गया मेरे पास ये इसका आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन्टी एट तो मैं राउंड फिगर ले सकता हूँ इसका कितना ले लूँ ट्वेंटी सिक्स है ना इसका ले लूँ मैं ट्वेंटी सिक्स चलिए मोलार मास भी मोल मिल गया मुझे ये है ग्राम पर मोल ये एक मोल का मास है और आपको पता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर मतलब कि जो मास आएगा उसको हम वन मोल बोलेंगे अब सीधा थर्ड सॉल्यूशन आप एन फैक्टर फाइंड कर लीजिए ये मोल नहीं है काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि फिर से ये मोल ये मोल नहीं है ये एन फैक्टर है इसको हम ऐसे फाइंड करते हैं मोलार मास डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मास मोलार मास मेरा आया है ट्वेंटी सिक्स फार्मूला मास जो है वो सी एच ट्वेल्व प्लस वन फार्मूला मास औरली भी आप लिख सकते हो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच तो कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन तो कितना आया थर्टीन ठीक है तो यहाँ पे थर्टीन रख दिया तो क्या आ रहा है इज इक्वल टू टू तो सीधा आंसर मोलिकुलर फॉर्मूला िकल फॉर्मूला कोई शक कोई शक नहीं तो ये टू मल्टीप्लाइड बाय सी एच तो सीधा आपके पास आंसर आया सी टू एच टू साहब आपने इथाइन गैस पढ़ी है पढ़ी है कि नहीं पढ़ी टेंथ में इथाइन गैस उसको आप एसिटिलिन बोलते थे वही आंसर है मुझे तो पहले ही पता पड़ गया था कि एसिटिलीन है क्योंकि जब वेल्डिंग की बात आती है ना तो हम लोग ये, अब में पढ़ते थे में सही है ना हाँ याद आ गया याद आ गया चलो बहुत बढ़िया चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं और दो प्रॉब्लम बाकी है ठीक है इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो आपको आप लिख लीजिए समझ लीजिए पूरा मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है यहाँ पे परसेंटेज भी निकाला है परसेंटेज निकाल के बाद में इसको सॉल्व किया मैंने डायरेक्ट जो है मोल रेशियो लेके डायरेक्ट एम्पेरिकल लिख लिया वो थोड़ा इजी पड़ता है ठीक है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ता हूँ चलिए अब इसको पढ़िए क्या लिखा है इसमें ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम इसमें इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए ये रिएक्शन पे ये रिएक्शन आपको लिखना है पहले बाद में डेटा क्या दिया है आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एच टू गिव दिस वो तो नीचे लिखा है पूरा रिएक्शन तो अब आपको पूछा है कि वॉट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड फॉर टू रिएक्ट ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा डायरेक्ट भी इसमें समझा सकता हूं आपको ठीक है तो इस हिसाब से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट समझाऊंगा तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा तो देखिए पहले तो आपको ये डेटा दिया है ट्वेंटी फाइव एम एल जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव मोलार एच सी एल तो पहला काम करिए कि एच सी एल का मोलार मास फाइंड कर लीजिए वो आएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल ठीक है यूनिट लिखना मत भूलिए हायर सेकेंडरी में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अब अब जो है मोला रेटी का फॉर्मूला यूज़ करिए यह रहा W मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड ये M जो है वो है मोलार है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हम लोग सिम्बोलिक फॉर्म में लिखते हैं सब डेटा जो आपके पास है वो यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ डाल दीजिए डाल दिया का थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है ट्वेंटी फाइव एम एल अब ये मोलारिटी मोलारीटी सॉरी मोलारिटी का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये जो मैंने डबल्यू है डबल्यू मतलब कि वेट ऑफ हमारे पास कितना एच सी एल होगा वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना मोलारिटी से तो मोलारिटी से हमें ये डबल्यू मिला और डबल्यू मिला आप आप थोड़ा इसमें कैलकुलेशन में अगर गलती है तो आप कैलकुलेटर से थोड़ा चेक करते जाइए यहाँ पे आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स तो एक बात ये सॉल्यूशन से तय हो गई कि हमारे पास एच सी एल इतना है कितना है जीरो पॉइंट सिक्स एट फोर फोर बस नाइंटी परसेंट प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपने एच निकाल लिया अब ये प्रॉब्लम लिख लो ये ये, ये लिखा यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिख लो अब इक्वेशन में सीएसओ थ्री है उसका मास फाइंड कर लो सीएसओ थ्री का मास कितना आ रहा है तो हंड्रेड ग्राम आ रहा है उसका कैल्शियम का ठीक है फोर्टी फोर जीरो ऑक्सीजन का सिक्सटीन कार्बन का ट्वेल्व ठीक है आप इसका मोलार मास फाइंड करेंगे तो हंड्रेड आएगा तो हंड्रेड ग्राम अगर सी ए सीओ थ्री हम लेते हैं तो हमको दो मोल एच सी एल यहां है ना दो मोल दो मोल एच सी एल चाहिए दो मोल एच सी एल का मतलब क्या हुआ कि सेवेंटी थ्री ग्राम एक मोल मतलब थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो दो मोल का मतलब क्या हुआ सेवेंटी थ्री ग्राम यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ जो है स्क्रीन पे उसको समझा रहा हूँ क्योंकि ये सही है इसमें आ, को, कोई अलग मेथड नहीं है इसी मेथड से आपको जाना है बहुत इजी है तो सीधा अब आप इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड नहीं करना है आपको आपको सीधा बोलना है कि अगर हंड्रेड ग्राम सी एस यूज करता हूँ तो मुझे सेवेंटी ग्राम एच चाहिए ठीक है तो अगर मेरे पास 0.64 एट फोर फोर ग्राम एच सी एल है ऐसे हुआ ना हंड्रेड ग्राम CaCO3 थ्री में हमको चाहिए सेवेंटी थ्री ग्राम एच सी एल तो हमने कितना एच सी एल निकाला जीरो पॉइंट सिक्स एट डबल फोर एच सी एल है हमारे पास इतना ग्राम है ठीक है तो मुझे कितना CaCO3 थ्री चाहिए आप रिवर्स भी एरो रिवर्स भी लगा सकते हो और रिवर्स भी लिख सकते हो कि 73 थ्री पे 100 ग्राम सी ए थ्री यूज़ होगा तो 0.6844 पे कितना होगा और सीधा आपके पास मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा और ये सीधा होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर बहुत ईजी है चलिए ये आप कर लीजिए ये मैं करने ही वाला नहीं था लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये होमवर्क में देने वाला था फिर भी एक बार समझा दिया मैंने आप अपने आप कर लीजिए चलिए मैं लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलता हूँ यहाँ पे हमारी फर्स्ट चैप्टर की जर्नी खत्म हो रही है नेक्स्ट हम चालू करेंगे एटोमिक स्ट्रक्चर ठीक है तो अब ये लास्ट प्रॉब्लम जो बैक साइड हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको थोड़ा ठीक से पढ़िए और पहले ये ये जो रिएक्शन है उसको लिख लीजिए ठीक है रिएक्शन जो है मेन है उसके ऊपर ही हमें काम करना है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही इजी प्रॉब्लम है बहुत ही इजी प्रॉब्लम है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं चलिए क्या आपको पूछा है इसमें ये रिएक्शन पहले बैलेंस ही दिया है बैलेंस करने की जरूरत नहीं है मैंने पूछ मैंने आपको ये भी बोला है कि जब भी आपके पास बैलेंस रिएक्शन ना हो मेरे प्यारे बच्चों तो पहले आपको इससे बैलेंस करना होता है क्योंकि बी सी ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ही आप सब ये मोल कंसेप्ट और लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो तो ये रिएक्शन में एक बार लिख लू फिर से नीचे और डायरेक्ट में समझा देता हूँ आपको पूछा क्या है आपको पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रिएक्ट विथ फाइव ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड ठीक है चलिए मैंगनीज का मैं आपको एटोमिक मास दे देता हूँ क्योंकि हमने वो फाइंड हमने प्रिपेयर तो किया है अब आपने किया है कि नहीं किया है वो आपको पता है वन टू थर्टी का तो उसमें भी मैंगनीस आ जाता है ट्वेंटी वन टू थर्टी में उसका मास जो है वो फिफ्टी फाइव ग्राम पर मोल है तो आपको ये एम एन सी एम एन ओ टू का ज़रूरत पड़ेगी एम एन सी एल टू में शायद पड़ सकते चलिए देखते हैं क्या होता है तो मैं उसको एक ही एक ही स्टेप में सोल्व करने जा रहा हूँ पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ चलिए ये, ये रिएक्शन है अब इसमें टाइम नहीं हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे फोर एच सी एल प्लस क्या है आपके पास एम एन ओ टू और क्या है टू एच टू हो प्रॉब्लम को एक दो बार पढ़ के आप सबके पहले मास जितने जितने चाहिए वो आपको ले लेने ठीक है एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू ऐसा रिएक्शन है हमारे पास अब ये देखिए आपके पास फोर मोल है अब हम मोल के उसमें करे तो तो इसके सामने एम एन ओ टू आपका वन मोल है क्वेश्चन आपको क्या पूछा है उस हिसाब से हम जाएंगे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एच सी एल रियक्ट विथ फाइव ग्राम ऑफ मैंगनीस डाइऑक्साइड बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत ही ईजी भी है इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो एक मोल का थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो फोर मोल का कितना होगा और ऐसा भी आप लिख सकते हो वन फोर्टी सिक्स ग्राम तो अगर मोल नहीं लिखना है तो ग्राम लिखिए ये वन मोल है एम का फिफ्टी फाइव ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो ये मेरा होगा एटी सेवन ग्राम अब आपको सीधा जो क्वेश्चन पूछा है वही लिख लीजिए कि अगर पांच ग्राम एम आप लेते हो फाइव ग्राम एम लेते हो तो आपको कितना एच चाहिए बस यही तो पूछा है और यहाँ प्रॉब्लम खत्म हो रहा है देखिए फाइव ग्राम मैंग डाइऑक्साइड लेते हो तो कितना एच चाहिए खत्म हो गया लिमिटिंग रिएजेंट की भी जरूरत नहीं है ठीक है तो सीधा लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई फाइव और क्या करेंगे डिवाइडेड तो ये सीधा आंसर आ रहा है आपके पास एट पॉइंट थर्टी नाइन अराउंड फिगर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो एट पॉइंट फोर्टी ग्राम तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं पांच ग्राम डाइऑक्साइड ये मैंगे डाइऑक्साइड लू तो मुझे एट पॉइंट फोर्टी ग्राम एच सी एल चाहिए अगर पहले आप मोल कैलकुलेट करते हो तो मोल मोल में आंसर आएगा मुझे इतना मोल एच सी एल चाहिए ठीक है तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको दिया है पाँच ग्राम एम ए तो फिर पाँच ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए ग्राम ग्राम रखिए एटी सेवन ग्राम वन फोर्टी सिक्स ग्राम और फाइव ग्राम सो ये मोल वाला अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम वाया मोल भी सोल्व किया जा सकता है ये फाइनल आंसर जो एट पॉइंट थर्टी नाइन ग्राम जो आ रहा है वो आपको मोल में मिलेगा और मोल को फिर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये डायरेक्ट हो रहा है टेक्स्ट बुक का भी सोल्यूशन है आपके सामने वो भी इसी मेथड से है ठीक है तो यहाँ पे हम ये चैप्टर कोई भी प्रॉब्लम बाकी नहीं है सब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिए है जब भी आप फ्री हो तो रिवाइज करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करना है ये आगे केमिस्ट्री में ठीक है और आगे भी आप फार्मास्यूटिकल और उसके रिलेटेड कोई भी ब्रांच में जाते हो ठीक है मेडिकल में जाते हो मेडिकल पैरामेडिकल में जाते हो तो भी ये सब टर्म्स जो है बहुत यूजफुल है ठीक है वहाँ कोई नहीं समझाएगा यहाँ पे आप अगर समझ के ठीक से कर लोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा काफ़ी बच्चों के रिव्यू भी मेरे पास आते रहते हैं कि सर आपने जो समझाया था उस हिसाब से अब हम चल रहे हैं ठीक है तो बहुत अच्छा रहता है ओके थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ऐसे माहौल में इतना मेरा साथ दिया और पूरा चैप्टर हमने आप लोगों के सहकार से खत्म किया ठीक है इसको ख़त्म किया नहीं बोलते हैं कि हमने साथ मिल के पढ़ा ऐसे बोल बोलते हैं ठीक है तो और फिर एक जर्नी चालू करेंगे वो भी इतना बहुत बढ़िया चैप्टर है इससे ही आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा इजीली तो, uh, तो पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर ओके टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच अपना काम करते रहना और खुश रहना ओके okay?